हेलो गाइस, वेलकम टू द मूवीज बीस्ट अरीना। माय फॉल्ट, जिसको स्पेनिश में कुल्पा मिया के नाम से जाना जाता है, ये फिल्म की कहानी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो नोआ, जो कि अपनी माँ के साथ रहती है, उसकी माँ और वो अपना पुराना घर, उसका बॉयफ्रेंड और शहर छोड़ के उसके स्टेप फादर के घर रहने जाते हैं, जो कि काफी पैसे वाला शख्स होता है। वहां नोआ अपने स्टेप ब्रदर निक से मिलती है, जो कि काफी लड़कीबाज और पार्टी करने वाला एक बिगड़ा लड़का है। निक अपने दोस्तों के साथ एक दिन पार्टी में नोआ को ले जाता है। वहां वो नोआ को अपनी वो अय्याशी वाली जिंदगी दिखाता है। नोआ उससे चिढ़ के वहां से चली जाती है। फिर एक रात को निक अपनी कार रेस में नोआ को ले जाता है, जहां नोआ उसे अपनी कार रेसिंग स्किल्स दिखाती है। फिर नोआ को एक दिन मैसेज आता है कि उसका बॉयफ्रेंड उसे अपनी दोस्त के साथ चीट कर रहा है। वो उसे जलाने के लिए निक के साथ एक कीस करती है और उसका फोटो उसके बॉयफ्रेंड को भेजती है, लेकिन निक के साथ उस मोमेंट को वो भुला नहीं पा रही। और सेम चीज निक के साथ होती है। दोनों कब एक दूसरे को चाहने लगते हैं पता ही नहीं लगता। दोनों के बीच काफी जिस्मानी अट्रैक्शन फील हो रहा है। निक अपने आप को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो खुद को नोआ से दूर नहीं कर पाता। अब ये बात निक के दोस्तों को भी पता चल जाती है। दोनों उसे काफी चिढ़ाते हैं। एक रात को निक के पापा दोनों को एक ही बिस्तर में साथ देख लेते हैं। अब दोनों को पता है कि उनका साथ रहना अब मुश्किल होने वाला है। साथ ही एक और बात जो नोआ को सताती है, वो है उसके पहले पापा का उनकी जिंदगी में वापस आ जाना, जिससे कि वो बहुत डरती है। निक की छोटी बहन को एक दिन हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वो उसे वह देखने साथ जाते हैं। फिर वापस आते वक्त दोनों एक जगह कार रोक कर सोचते हैं कि अब जब निक के पापा को सब पता चल ही गया, तो वो दोनों को अब अलग कर देंगे। वो बात तो पक्की है, तो क्यों ना वो दोनों ये रात को यादगार बनाए। और फिर दोनों उस रात को एक दूसरे की बाहों में खो जाते हैं और अपनी सारी हदें भूल के वो सब कुछ करते हैं जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए। फिर घर आके दोनों अलग होते हैं और इस कहानी का यही अंत होता है। तो ये कहानी आपको कैसी लगी कॉमेंट में जरूर बताइएगा। टिल देन, लव यू ऑल, गुड बाय।